स्टूडेंट स्वागत है सबका आज के सेशन में। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। सेशन को शेयर कर दिया करो सभी बच्चा पार्टी, जो भी इस बार क्लास 12th में है सबको शेयर कर दो, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट फ्री कोर्स आप लोगों के लिए यहाँ पर चल रहा है हमारे चैनल पर। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करें ताकि सब बच्चों को ये फायदा मिले यहाँ पर हमारे साथ में मिलकर। क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहे हैं कि x प्लस 3 की जो वैल्यू है ना मेरे पास वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, और इसका पूरे का हमें क्या बताना है, समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन। आप लोग देखिए यहां से नीचे वाले को अगर मैं लेट भी कर दूं तो ऊपर वाला नहीं आएगा, मतलब सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो मैं क्या करूंगा, एक्स प्लस 3 को लेट कर लूंगा ए इंटू में, वही जो मैंने बताया था डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 और प्लस में टी। ये मेरे पास कितना आएगा, 2x माइनस 2 आएगा, प्लस में b मेरे पास आ जाएगा x प्लस में 3। अब मैं सवाल में यही रख दूंगा यानी कि a 2x माइनस 2 प्लस में b अपोन में मेरे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 और dx। उसके बाद में सेपरेट कर लीजिए भाई, a बाहर आ जाएगा, ये मेरे पास आएगा 2x माइनस 2 और नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। प्लस मेरे पास b बाहर आ जाएगा, 1 अपोन में क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। अब ये वाला जो पार्ट होता है ना हर सवाल में, ये तो डायरेक्ट 1/t या फिर 1/√t बनाएगा। कैसे, अगर मैं लेट कर लूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 बराबर टी, इसका अवकलन क्या होता है 2x माइनस 2 यानी कि डिफरेंशिएशन, इनटू में डीएक्स चलेगा बराबर में डीटी मेरे पास में आएगा। अब ये तो डायरेक्ट हो जाएगा कि ए हमारे पास बचेगा 1/t और डीटी। इसको मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूंगा और वो आपको पता है आप कैसे करेंगे। माइनस 2x इसका स्क्वायर इसके आधे का यानी कि प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और माइनस 5 हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे, समझ रहे हो, dx मेरे पास में आ जाएगा। अब आप देखिए यहां से 1/t होता है हमारा log t, ये तो हो गया खत्म, प्लस में भी। अब भाई ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये मेरे पास कितना बचेगा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कर दो और माइनस स्क्वायर 1 को कर दो, यानी कि माइनस 1 होगा 1 स्क्वायर 1 ही होगा माइनस 6, यानी कि माइनस और अंडर रूट 6 का स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि 6 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, इसलिए ऐसा लिखना पड़ेगा इस सवाल में। अब ये फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 1/ में आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा लगेगा, 1/ में 2a log मेरे पास लगेगा एक्स प्लस में ए अपोन में एक्स माइनस ए प्लस सी, ये वाला फॉर्मूला लगते हैं जब भी हमारे पास फॉर्मेट कौन सा हो जाता है 1/ में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, इस फॉर्मेट के लिए फॉर्मूला लगाया जाता है। ए और बी की वैल्यू कैसे निकालोगे भाई, मैं बता देता हूं निकाल के आप सभी बच्चा पार्टी को। इस वाले से ए और बी की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। जैसे मेरे पास गिवन है एक्स प्लस में 3 बराबर ए हमारे पास आया 2x माइनस 2 प्लस में बी, तो एक्स प्लस में 3 आ गया 2ax माइनस 2a प्लस में बी। अब a का कंपैरिजन a से कर दीजिए, मतलब 1 x का, सॉरी x का कोफिशियंट है 2a, यहां x का है 1, तो 2a बराबर 1 आ गया, तो a की वैल्यू 1/2 आ गई, और माइनस का 2a प्लस b बराबर 3 दे रखा है। a की वैल्यू रख दीजिए और b की वैल्यू निकाल लीजिए, यानी कि माइनस 1 प्लस b बराबर 3, तो b की वैल्यू आ जाएगी 4 यहां से। तो ऐसे आप लोगों को a और b की सब में वैल्यूज निकालनी है। कहां से निकालनी है, जहां से आपने ये लेट करके ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनाया डिफरेंशिएशन करने के बाद में, और यहां पर रख देनी है जो रिजल्ट यहां से आएगा, इसमें फॉर्मूला और लगाना है, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला। सारे सवाल ये वाले बहुत इजी है, अगर आपने ये फॉर्मेट समझ लिया कि करते कैसे हैं, तो न्यूमरेटर को लेट करेंगे ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस में बी। सिंपल सा सवाल है, ए और बी की वैल्यूज निकालो और वहां पुट कर दीजिए, यही हमें करना होता है इन सवालों में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, यहां से सवाल आपको अंतिम अंजाम तक पहुंचाना है। मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से यहां सर सॉल्यूशन समझा रहा हूं, सिंपल सी बात है, लेट कर लिया करो जब भी आपको नहीं समझ में आ रहा हो चीजें। डिफरेंशिएशन किसका आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 10 प्लस में बी कर लेंगे, तो 5x प्लस में 3 मेरे पास क्या आएगा a इंटू में 2x प्लस 4 आ जाएगा और प्लस में b आ जाएगा। अब ये सवाल मेरे पास क्या बन गया, 2x प्लस में 4 प्लस b बराबर मेरे पास नीचे आ जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और dx आ जाएगा। अब मैं सेपरेट कर लूंगा इसको, तो मेरे पास आएगा a बाहर आ गया
2x प्लस 4 आ गया, नीचे अंडर रूट में है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx, प्लस में b मेरा बाहर आ गया, 1 अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx आ गया मेरे पास में। ये वाला पार्ट मैं बार बार बता रहा हूं कि ये या तो बनेगा 1 अपॉन टी या बनेगा 1 अपॉन अंडर रूट टी, क्योंकि मैं नीचे वाले को लेट करूंगा तो ऊपर वाला कट जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 1 अपॉन अंडर रूट टी dt, ठीक है, प्लस में भी। और दूसरा वाला इसमें बनता है, फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, 4 का आधा क्या होगा 2, यानी कि प्लस का 2 स्क्वायर माइनस का 2 स्क्वायर प्लस 10 dx आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा a, और अंडर रूट टी का मतलब होता है टी की पावर माइनस हाफ, 1 अपॉन अंडर रूट टी था ना, तो टी की पावर माइनस हाफ प्लस 1 हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, और माइनस हाफ प्लस 1 हो जाएगा, तो ये टी की पावर हाफ अपॉन 1/2, यानी कि 2 × t की पावर हाफ, तो 2a इंटू अंडर रूट टी आ गया प्लस में बी। अब ये किसका स्क्वायर बनता है देख लीजिए आप, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगा, बिल्कुल बनेगा, और माइनस में तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और प्लस में 10 यानी कि 6 बचेगा, तो ये मेरे पास अंडर रूट 6 का स्क्वायर होगा। अब ये फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका हमारे पास होता है लोग एक्स प्लस में, ठीक है, लोग एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारे पास होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज आपको याद होना चाहिए, इसकी वैल्यू टी की वैल्यू आप रख दीजिए 2a, और टी किसको माना था आपने, टी इसमें माना था एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 को माना हुआ है, प्लस बी इसका आंसर आप लोगों ने निकालना है, और ए और बी निकलेगा यहां से इस सवाल में, मैं ये भी बता देता हूं यहां से ए और बी निकलेगा। तो आई होप ये टाइप सवाल जितने भी टाइप्स के ये वाले सवाल हैं आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे, ये सवाल के आंसर्स आप लोगों को निकालना है, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आपको बताना है, फॉर्मूला मैं पोस्ट कर चुका हूं, मैं फिर से फॉर्मूलाज को पोस्ट कर दूंगा, मेरे कम्युनिटी में चेक कर लेना कि कौन से फॉर्मूला यूज हो रहे हैं, कौन से फॉर्मूला में क्या आंसर आता है। आई होप ये एक्सरसाइज आप लोग बहुत अच्छे समझे होंगे, लास्ट के 2 सवाल बचे हैं 24 एंड 25 जो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, तब तक के लिए जय हिंद।